नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका भोयाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुमाऊं की अहम खबरों के साथ। एक और कुमाऊं में कोरोना के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं जिले का प्रशासन इसे लेकर कितना सजग है ये हम आपको दिखाते हैं। दरअसल हल्द्वानी के हिमालय फॉर्म में रहने वाले डॉक्टर पीके रॉय के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन की टीम ने डॉक्टर रॉय को तो क्वारंटीन कर दिया, लेकिन उनके आवासीय इलाके को लापरवाही के चलते यूं ही छोड़ दिया। इस क्षेत्र के लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा न तो सैनिटाइजेशन किया गया है और न ही इलाके को सील किया गया है। यहीं से गली में अंदर जाके उनका मकान है। आप देख सकते हैं किस नीले कलर का उनका मकान है, और साथ ही यहाँ जो व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से ये क्षेत्र है, काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, काफी मकान है यहाँ काफी नजदीक नजदीक, और प्रशासन की व्यवस्था यहाँ कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ लगनी चाहिए थी या यहाँ सैनिटाइजेशन होना चाहिए था, उस तरीके से यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये नगर निगम का वो क्षेत्र है जहाँ अभी दो दिन पहले ही डॉक्टर पीके रॉय पॉजिटिव पाए गए, जिसका कि बताया जा रहा है कि क्लिनिक गांधीनगर में जिनका क्लिनिक बताया जा रहा है, शायद वहां से या कहीं से भी संक्रमित होकर वो यहाँ पहुंचे हैं। और साथ ही यहाँ बताया जा रहा है कि उनके परिवार के अलावा किसी की भी पड़ोस के लोगों की किसी की भी कोई जांच नहीं की गई है और न ही क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया गया है। और साथ ही जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगनी चाहिए थी, जो एक एपिडेमिक एक्ट में जो नियम बनाया गया है कि उसके घर के आसपास का एरिया सील कर दिया जाता है, उस तरीके से यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है और सारे लोग आ रहे हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ एक स्थानीय दुकानदार आई है, इनसे जानते हैं कि यहाँ किस तरीके से चल रहा है काम। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज 31 उत्तराखंड में। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश चंद गुप्ता, मैं हिमालय आराम का निवासी हूँ। जी सर, यहाँ जो डॉक्टर साहब पॉजिटिव मिले, कब पता चला आपको? कि करीबन 6 दिन करीब हुए थे। जी, तभी पता चला था कि डॉक्टर साहब को कोरोना हो गया, अस्पताल ले गए। जी, ये पता। अच्छा, उसके बाद से यहाँ कोई सैनिटाइजेशन वगैरह या कुछ हुआ है, जांच वगैरह? सैनिटाइजर जो वाले आए थे, दो लोग मैंने देखा था, उनके घर पर ही सैनिटाइजर हुआ था। जी, बाहर से लेके अंदर तो सब सैनिटाइजर करते हैं। अच्छा, उन्हीं के घर पे हुआ, बाकी गली में या पड़ोसियों के यहाँ किसी के यहाँ कुछ नहीं? उससे पहले हुआ था, बाद में नहीं हुआ। अच्छा, तो जैसे कि बैरिकेडिंग लग जानी चाहिए थी, बंद हो जाना चाहिए था, उस तरीके से कुछ नहीं किया प्रशासन? यहाँ पर बंद नहीं हुआ, पुलिस आती जाती रही बाकायदा, और सभी स्वास्थ्य अधिकारी सभी यहाँ पर सभी टीमें आई। भैया आपका नाम? सचिन गुप्ता। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी सर, मैं हमारे पास निवासी हूँ। अच्छा, तो आपको पता चला डॉक्टर साहब पॉजिटिव हैं, तो जिस तरीके की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसको लेके? सर मेरे ख्याल से तो यहाँ पे मुझे कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, ना कोई सैनिटाइजर हुआ गली में, कोई बैरियर नहीं लगे यहाँ पे देखा जाए, और जो इनके साथ रहते थे बंदे वो भी सब ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब खाली घर वाले तो नहीं, मतलब गली में सभी ऐसे ही घूम रहे हैं, कोई सैनिटाइज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, कोई बैरियर नहीं लगा। कौन लोग साथ रहते थे इनके? जैसे सर मतलब मुझे नाम तो सही से नहीं पता, मतलब जो इनके साथ मतलब कंपाउंडर वगैरह थे इनके, वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं गली में, मतलब सैनिटाइजर कुछ भी, उनको भी क्वारंटीन नहीं करा गया, कुछ भी नहीं करा गया। अच्छा, और टाइम हो गया इन्हें भी हुए, मतलब ये शुक्रवार को हमें पता चला था, शनिवार से ये ऐसी है, खाली घूम रहे हैं। पिथौरागढ़ में चीन सीमा को जोड़ने वाला बेली ब्रिज भी आपदा की भेंट चढ़ गया। आपको बता दें, ढापा और मिलम के बीच जिमी घाट में बने बेली ब्रिज के दोनों ओर कटान होने के कारण पुल हवा में लटका हुआ है। इधर बरसात होने से नाले का बहाव तेज होने पर पुल भी जमींदोज हो सकता है। यहां बीआरओ ने भी पुल को बचाने की कोई कोशिश अभी तक नहीं की है। गौरतलब है आसमानी आफत ने इस इलाके में भी जमकर तांडव मचाया है। सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के बॉन्ड की सर्विस हटाने के बाद अब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। इधर मेडिकल की बढ़ी हुई फीस के मामले को लेकर आज जब कुछ छात्र नेता प्रतिपक्ष इंद्र हृदयेश के पास पहुंचे, तो उन्होंने उल्टा छात्रों को फटकार लगा दी। क्या कहा नेता प्रतिपक्ष इंद्र हृदयेश ने, आप भी देखिए। अब क्या है,
4,26,000 ये कब से बढ़ी? हमें 26 जून को नोटिस आया और हमारी काउंसलिंग थी 1 जुलाई में, तो हमें 4 दिन पहले पता चला। नहीं, तुम लोग वही हो जो जिनकी ये गारंटी होती है इतने साल सरकार की नौकरी कर, बॉन्ड बॉन्ड भरते हैं, बॉन्ड वाले हो तुम? बिना बॉन्ड वाले हो? हमारे से बॉन्ड सिस्टम हटा दिया था। अब जो कुछ भी तुम भी यही काम करते, तुम कोई अनोखे हो जाते, डॉक्टरी पढ़ गई गायब हो लेते उसके बाद सर। ठीक है, और जगह क्या है जो अन्य मेडिकल कॉलेज है यही फीस है 4,00,000 समथिंग? नहीं नहीं, श्रीनगर और अल्मोड़ा को छोड़ के, अल्मोड़ा का भी स्टार्ट हुआ, श्रीनगर वहाँ पर अभी पुराना सिस्टम, जहाँ बॉन्ड का सिस्टम वहाँ नहीं है, जहाँ बॉन्ड का सिस्टम खत्म हुआ वहाँ है। अभी बात करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री से। पिथौरागढ़ में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बेरीनाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने 2 वाहनों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। दरअसल चौकड़ी के पास पुलिस को चेकिंग के दौरान 2 वाहनों में अवैध शराब मिली। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोटमनिया की तरफ से 2 पिकअप वाहन आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें बैरियर पर रोककर चेक किया गया तो दोनों पिकअपों में 238 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद हुई। इस संबंध में बरामद शराब और वाहनों को कब्जे पुलिस में लिया गया। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगरपालिका सख्त होने का दावा कर रही है। इधर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत का कहना है कि नियमों को दरकिनार कर शहर में प्रवेश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पालिका ने शहर में राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी है। क्योंकि अब नगरपालिका नगर क्षेत्र में मॉनिटरिंग भी कर रही है, लोग घर में जा रहे हैं, हम घर में उनके को जो भी बाहर से आ रहे हैं उनके घरों में एक चिट भी चिपका रहे हैं। अगर हमें किसी तरह का कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, चलती पुल का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो, चलती पुल के अधिकारियों को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भारत नेपाल सीमा पर चलती पुल का निर्माण कार्य रोकने पर गुस्साए उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में कार्यदायी संस्था ब्रिटकुल का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर उत्तराखंड के वार्ड 41 के अध्यक्ष राकेश भट्ट ने कहा कि इस पुल निर्माण का बजट सरकार द्वारा दे भी दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद पुल का निर्माण नहीं हो पाया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भी आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। देखिए, सन 2017 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के शासनकाल में जो है केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जो है हमारे पीडब्ल्यूडी संस्था को 30 करोड़ रुपए का बजट दिया था, जिस बजट को पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक ब्रिटकुल इकाई जो इस समय हल्द्वानी में कार्यालय है उसको 30 करोड़ रुपए की योजना को हस्तांतरित कर दिया था। लेकिन उसके बाद 2017 से जब इस पुल में एक भी ईंट और पत्थर आज तक नहीं रखा गया, तो इसकी शिकायत हमारे केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल जी ने बिटकुल प्रबंधक हो, चाहे वो हमारे आर के सुधांशु जो सचिव लोक निर्माण विभाग है उनको हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को हो, सबको शिकायत भेजी। शिकायत भेजने के बाद कई दौर की महाप्रबंधक और सचिव जो लोक निर्माण विभाग है उसकी ठेकेदार और बिटकुल के प्रबंधक और महाप्रबंधक से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन उस वार्ता के बावजूद भी उस पुल में आज तक जो है 1 रुपए का काम नहीं किया गया है और 1 रुपए की ईंट और पत्थर उसमें नहीं लगाया गया है। लेकिन उस बिटकुल प्रबंधक जो हल्द्वानी है उसके द्वारा उसमें 28 से 30 लाख के लगभग उसमें खर्च कर चुके हैं। कहाँ का पुल है ये, कहाँ पर है ये? ये इस समय भारत नेपाल सीमा पुल है। कौन सी जगह पर? ये टनकपुर पे। देखिए सर, जिस दिन वहाँ विवाद हुआ 17 तारीख के दिन जी, उस दिन मुझे सूचना मिली थी कि टेंडर खोल दिए गए हैं जी, लेकिन अगले दिन मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना आई कि उस टेंडर को जो है निरस्त कर दिया गया है और वो टेंडर 24 तारीख को नियत था। उसके बाद फिर मुझे समाचार पत्र के माध्यम से सूचना मिली है कि 27 तारीख को वो टेंडर है। जो मेरी मांग थी कि उस दिन टेंडर न खोला जाए, वो नगर निगम ने टेंडर स्थगित कर दिया। हमारी मांग सर ये थी कि उस टेंडर की तीसरी बिट को न खोला जाए। उनने जो है एक बिट जिसमें धांधली थी, जिसमें गलत साइन हुए थे, उस बिट को निरस्त करते हुए जो है टेंडर की डेट 27 तारीख को नियत है।
मधुबनी के विशाल मेगा मार्ट शॉपिंग मॉल के बारे में उड़ी अफवाह का न्यूज 31 उत्तराखंड की टीम ने जायजा लिया। आपको बता दें, बीते दिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मेगा मार्ट शॉपिंग मॉल के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने की झूठी अफवाह फैला दी थी। वहीं इस मामले में आज मॉल के मैनेजर विमल पांडे ने बताया कि उनके मॉल में फिजिकल दूरी के साथ साथ सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, मामले में साइबर सेल हल्द्वानी को लिखित शिकायत दर्ज करवा दी गई है। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 31 उत्तराखंड में। आज हम खड़े हैं हल्द्वानी के विशाल मेगा मार्ट पे, जहाँ पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि यहाँ का स्टाफ जो है, 6 या 8 लोगों का स्टाफ जो है, वो कोरोना पॉजिटिव है और विशाल को सील कर दिया गया है। इसकी हकीकत जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं हल्द्वानी के विशाल मेगा मार्ट में, जहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे अपने सुचारू रूप से मॉल चल रहा है, सारे लोग आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग के बाद मॉल में प्रवेश किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है। और इस झूठी अफवाह के बारे में शायद यहाँ के मैनेजर कुछ बता पाए, मैं हल्द्वानी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे विशाल के मैनेजर। जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई थी सोशल मीडिया पे, बहुत जोर शोर से चल रहा था कि मेगा मार्ट में 6 कर्मचारी जो हैं वो पॉजिटिव हैं और विशाल मेगा मार्ट को हल्द्वानी को सील कर दिया गया है। देखिए, मुझे मालूम है किसने ये न्यूज़ फैलाई है, क्या है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये फेक न्यूज है जो सर्कुलेट हो गई है बाई वर्क एंड बाई व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है बॉस, आप देख ही रहे हैं स्टोर के अंदर कि स्टोर सेल नहीं है। पहले चीज, लोगों में गलत कम्युनिकेशन चला गया है कि विशाल सील हो रखा है, कोरोना पॉजिटिव है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि हमारे यहाँ ऑलरेडी सारे बच्चों के टेस्ट SDM के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ऑलरेडी करवाए जा चुके हैं। एंड स्टोर जो है वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है जो COVID-19 के लिए बने हुए हैं, जिसमें सैनिटाइजेशन से लेकर थर्मल स्कैनिंग से लेकर। सो इस तरीके की जो अफवाह फैलाई गई है, उसकी वजह से देखिए हमारी तो पर्सनल इमेज खराब हुई हुई जी। उसकी वजह से आपके बिल्डिंग रेपो जो कंपनी की थी पिछले 13 साल से, वो भी इफेक्ट हो रही है। तो जिसने भी ये करा है बहुत गलत करा है। मैंने ऑलरेडी साइबर सेल में ये कंप्लेन लॉक कर दिया, किसने करवाया है किसने नहीं करवाया वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं आपसे बस मीडिया से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप जो लोगों के बीच में है वो कम्युनिकेशन करेक्ट हो जाए कि इस तरीके की जो न्यूज है वो जी। हम इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं आज विशाल पे आया हूँ जी जी जी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे एंड से जो भी है, इट्स अ कम्प्लीटली फेक न्यूज। कोई बंदा कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कोई भी हार्ट केसेस नहीं मिले हैं। क्योंकि आप एक चीज ये भी देखिए, अगर ऐसा कुछ होता ना तो सबसे पहले प्रॉपर्टी सील हो जाती, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आके बंद कराई जाती, पुलिस आके बंद कराई जाती। ऐसे ही आजकल लोग अफवाह फैला रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मुझे सोर्स मालूम नहीं है। अच्छा, आपकी जो स्टाफ है, कर्मचारी की स्ट्रेंथ है, कितने परसेंट पे अभी काम चल रहा है, कितने परसेंट? एट प्रेजेंट जो मेरे यहाँ है वो 50% स्टाफिंग पे काम चलता है। ठीक है, उसमें भी उनको पूरा मेजर्स दे रखे हैं, बिना मास्क के कोई कस्टमर एंट्री अलाउड नहीं है, बिना स्टाफ की कोई एंट्री अलाउड नहीं है। काम के टाइम में ग्लव्स कंपलसरी पहनने जरूरी है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटोकॉल हैं वो सारे फॉलो कर रखे हैं। कहीं भी आप जाके देखेंगे तो कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि हमने हमारे एंड पे कोई गलती कर रखी है। लेकिन उसकी वजह से गलत न्यूज सर्कुलेट होने की वजह से जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है, और देख ही रहे हैं आप। मेगा मार्ट के मैनेजर विमल पांडे जी, जिन्होंने बताया कि ये कम्प्लीटली फेक न्यूज है कि विशाल के जो कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम पूरे एहतियात बरत रहे हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉल को चलाया जा रहा है, 50-60% स्टाफ अभी वर्किंग स्टेज पे है और उनका भी सारे स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया जा चुका है और सारी चीज़ें सैनिटाइजिंग या कम्प्लीटली स्कैनिंग की सारी व्यवस्था मॉल में कराई गई है। जिसको देखते हुए कम्प्लीटली यहाँ के लगता है कि इस फेक न्यूज़ के लिए जरूर कोई ना कोई जिम्मेदार है इस फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज की है, जरूर साइबर सेल इस पर कोई कठोर कदम उठाएगा। वही कुमाऊं की खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।